हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे। मैं आपकी रश्मि सोनी और मैं हूँ रेडी, क्योंकि मुझे जाना है डॉक्टर के यहाँ। और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ 4:15 पर, क्योंकि मैं सुबह से नहीं करती हूँ, क्योंकि आपको पता है वही रूटीन है डेली का, झाड़ू पोंछा खाना बनाना। और 5:30 जाना था डॉक्टर के यहाँ, तो मैंने कहा जल्दी रेडी होकर ना मैं शॉर्ट्स वीडियो डाल देती हूँ। तो मैंने शॉर्ट्स वीडियो अपने डाल दिए थे और मैं फ्री होकर बैठी थी। उधर मेरी साड़ी अच्छे से नहीं पहनी थी मैंने, तो मैं अब जब जाऊंगी तो कर लूंगी। और फिर मैं आ गई थी किचन में, और इधर देखो अपर्णा क्या कर रही है। तो मैंने उससे पूछा तो वो बताने लगी कि शिवांश ना मार्केट से फ्रूटी लाकर बहुत पी रहा है, और मैंने रसना बनाकर इसमें भर दिया है, और शिवांश के आने के पहले वो फ्रिज में रख देगी, जिससे शिवांश को पता भी नहीं चलेगा। तो उसने अपना माइंड लगाया। और क्या होता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो उनका कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट चलता ही रहता है। तो कभी केक बनाएगी, कभी लिप बाम बनाएगी, कभी कुछ करेगी, वो करती ही रहती है। और हम लोग जब दोपहर के खाना से फ्री हो जाते हैं, साफ़ सफाई हो जाती है, मैं सो जाती हूँ, तो ये क्या करती है, ये कुछ ना कुछ करती रहती है। तो मेरी किचन तो अब साफ़ रहती नहीं है बिल्कुल भी। तो बस अपर्णा अपनी करने में लगी थी और ना मैं उसको देख रही थी, और उधर थोड़ा सा फैल गया था, तो मैंने वो भी साफ़ सफाई की, थोड़ा सा पोंछ दिया है। तो वो बोलने लगी माँ आप चली जाओ, मैं कर लूँगी। तो आप लोगों से अब क्या ही मैं बोलूं, अब मैंने इधर कर दिया सिलेंडर बंद, क्योंकि मुझको जाना है और बच्चे दोनों अकेले रहेंगे घर पे, इसलिए मैंने सोचा इसको बंद कर देती हूं। और मैं आ गई थी रूम में, क्योंकि बच्चे जो अपने मन से करते हैं ना, उनको अपने ही मन से करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बड़े रोक टोक करते हैं तो फिर उनका खुद का दिमाग नहीं चलता है। तो मैं आकर बैठ गई थी, और इधर अपना मेरे लिए लाई थी रसना, और इसी बीच इनका फ़ोन आ गया था, तो इन्होंने बता दिया था कि डॉक्टर के यहाँ जाना कन्फर्म नहीं है, क्योंकि इनको थोड़ा सा टाइम नहीं था और थोड़ा सा काम भी आ गया था इस वजह से। फिर थोड़ी देर बाद ना क्या हुआ कि कैंसिल ही हो गया, और फिर ये बोलने लगे किसी दिन चलेंगे फिर। तो बस फिर मैंने चेंज कर लिया, और चेंज करने के बाद आ गया था मेरी दीदी का छोटा बेटा। बड़ा बेटा ना दौज के दिन आया था, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा। तो बस मैं उससे बातें कर रही थी, और बातें करते करते कब 9 गए मुझे खुद पता नहीं चला। फिर मैंने उससे पूछा क्या खाओगे, तो उसने बताया मैं मैक्रोनी खाऊंगा, क्योंकि दोनों भाइयों को ना मेरे हाथ के फास्ट फूड बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। तो मैंने उन लोगों के लिए, सबके लिए मैक्रोनी बनाया, क्योंकि अब खाने के लिए टाइम ही नहीं था, 9 बच्चों के थे, फिर खाना कब खाते। तो बस सभी लोगों ने ये खा लिया था, तो मैंने सबके लिए प्लेट्स लगाई अभी। और अपर्णा कंप्यूटर क्लास से आ गई थी, अपर्णा अभी कुछ टाइम से ना कंप्यूटर क्लास जाने लगी है, तो वो आ गई थी। तो मैंने कहा आप भी बेटा खा लो सबके साथ में, तो बस वो फ्रिज से बॉटल लाकर पानी वगैरह भर रही थी। और सभी वेट कर रहे थे कब प्लेट्स आए और कब खाना स्टार्ट हो, क्योंकि वो ना ध्रुव को अपनी बुआ जी के घर पे भी जाना था, क्योंकि उनकी बुआ जी भी यहीं पर हैं। तो हम लोग बस मैक्रोनी खाकर फ्री हुए, तो हम लोग आ गए रूम में, और अपर्णा ने पढ़ाई की, शिवान सोने की तैयारी कर रहा था। तो आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगे तो आप लोग कॉमेंट्स करके ज़रूर बताया करें। आज की वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं था, फिर भी मैंने अपलोड किया, तो मेरे वीडियोस को शेयर कर दिया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। सभी को राधे राधे।